हेलो दोस्तों, क्रियो में व्यू टैब का इस्तेमाल कैसे करना है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है व्यू टैब, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसकी ज़रूरत कब होगी और इससे क्या होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो अपीरियंसेस। उसमें क्या होगा, आप कलर चेंज कर सकते हो। मान लो इस सरफेस का कलर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दूसरा कलर, जो भी कलर हमें रखना है वो कलर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये सरफेस सिलेक्ट करेंगे। ज़्यादा सरफेस सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल को प्रेस करके रखिए और दूसरी सरफेस सेलेक्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, ओके प्रेस करते ही ये सरफेस के कलर जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर कोई सरफेस जो है उसको विजुलाइज नहीं करना है, मतलब कि हिडन जैसा बनाना है, तो इसमें उसका भी ऑप्शन है। देखो यहाँ पे ये जो है वो क्या होगा, कलर जो है वो हट जाएगा पूरा। यहाँ से मैं ये सरफेस सिलेक्ट करता हूँ, ओके। तो ये जो पूरा है वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे है एक्चुअल में, लेकिन उसका कलर ऐसा है कि वो ट्रांसपेरेंट बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था गैलरी का इस्तेमाल। यहाँ से आप जो भी सरफेस का जैसा भी कलर बनाना हो आप बना सकते हो। दूसरी चीज़ जो है वो स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन क्या है, मतलब वो आइसोमेट्रिक है, और प्रीवियस मतलब कि जो पहले था वो बन जाएगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन और प्रीवियस मतलब कि जो पहले था व्यू ऐसा बन जाएगा। उसके बाद जो है वो है सेक्शन। सेक्शन में क्या होता है, आप इंटरमीडिएट बीच में से कट करके उसको देख सकते हैं कि एग्जाम्पल का बीच में से पोर्शन कैसा है एक्चुअल में। ठीक है दोस्तों, वो प्लेन के रिस्पेक्ट से कट होगा। जैसे कि एक्स डायरेक्शन से कट करेंगे तो एक्स डायरेक्शन के प्लेन में से उसका कट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप सेव भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से वाई डायरेक्शन से कट करते हैं तो वाई डायरेक्शन से कट हो गया। इसको डन करते ही एग्जाम्पल हमारा इतना ही बचेगा। इसको जेड डायरेक्शन से कट करते हैं तो जेड प्लेन से कट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आपको रखना है, मतलब एक्स डायरेक्शन से जो कट किया उसको रखना है, तो यहाँ से डन कर दीजिए तो हमारा एग्जाम्पल जो है वो इतना ही बचेगा, मतलब कि बीच में से सेक्शनल व्यू हमें मिलेगा। तो ये है व्यू टैब का इस्तेमाल। थैंक यू।